गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था डी लेवल ब्लेड अटैचमेंट के बारे में, ओके, मेथड्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ टर्बाइन ब्लेड्स टू टर्बाइन रोटर, ओके, उसमें था डी लेवल ब्लेड अटैचमेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वर्टेड टी, ओके, उसके बारे में, ओके, और फर ट्री एंड स्ट्रेडल, ओके, ये सब कुछ जो बाकी की जो अटैचमेंट है वो हम लोग आज से डिस्कस करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वर्टेड टी के बारे में, इन्वर्टेड टी के बारे में, ओके ओके। तो यहाँ पे हमारे पास फिगर है, वो है इन्वर्टेड टी अटैचमेंट के बारे में, ओके। तो एज द नेम सो इम्प्लाइज अटैचमेंट इज इन्वर्टेड टी शेप शोन इन फिगर, ओके। तो जैसे जैसे नाम है उसकी तरह ही यहाँ पे देखो कुछ टी जैसा यहाँ पे छोटी, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है वो जो ब्लेड अटैचमेंट जो है यहाँ पे इन्वर्टेड टी यानी उल्टा टी जैसा एक यहाँ पे समझो एक अटैचमेंट दिख रहा है हमको, ओके। दिस अटैचमेंट मे बी विद द सेपरेट स्पेसर और इंट्रीगल स्पेसर, ओके। तो समझो कि ये जो अटैचमेंट है उसमें सेपरेट स्पेसर और इंट्रीगल स्पेसर, यानी समझो कि ये एक समझो कि ये हमारी ब्लेड्स है यहाँ पे, ये हमारी टर्बाइन ब्लेड्स है, और उसके साथ में ये समझो कि एक उल्टा टी जैसा यानी समझो फिक्स करने के लिए एक इन्वर्टेड टी अटैचमेंट जैसा होता है, यहाँ पे साइड व्यू हमको दिख रहा है, ओके। तो ब्लेड अरेंजमेंट विद द सेपरेट स्पेसर इज शोन इन फिगर, ओके। जो सेपरेट स्पेसर जो है उसका हम लोगों को यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, ओके ओके। तो ये है सेपरेट स्पेस वाला इन्वर्टेड टी, ठीक है। ब्लेड्स आर कट फ्रॉम द बार्स और स्ट्रिप ऑफ ब्लेड सेक्शन इज फॉर्म एंटायर बाय रोलिंग ड्रॉइंग थ्रू द डाइस और बाय मशीनिंग, ओके। तो यहाँ पे जो ब्लेड है जो वो मशीनिंग से रोलिंग से उसको समझो कि और समझो कि उसको कट करके शेप में प्रॉपर जो ये शेप है उसको लाया जाता है बाय मशीनिंग प्रोसेस से, ओके, और बाय डाइस से ड्रॉइंग थ्रू डाइस, ओके, बाय द मशीनिंग, ओके। तो ऐश यहाँ पे जो है तो सेक्शन शो द लेंथ ऑफ स्पेस फ्रॉम द रोटर, ओके। तो यहाँ पे जो सेक्शन है वो जो है बराबर वो हमको जो लेंथ यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। देर आर ऑल्सो कट फ्रॉम द बार्स एंड फिनिश बाय द मिलिंग, ओके। तो बार को कट करके या और उसको समझो मिलिंग से फिनिश करके भी उसको फॉर्म किया जाता है, ठीक है। दोज आर also cut from the bars and finished by milling where the stress across the section cc, okay. to sabse pehle yahan pe jo samjho ki jo ss jo s hai jo wo hai uski samjho ek minute yahan pe main aapko dikha deta hu clear, okay. jo section c hai yahan pe sabse zyada stress yahan pe aata hai, okay. when the stress across the section c become excessive the blade and spacer are made from one piece, okay. तो समझो कि जो ब्लेड और स्पेसर जो है उसको वन पीस में बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी सेक्शन पे जो मैंने रेड लाइन यहाँ पे दिखाई है वहां पे ज्यादा स्ट्रेस फॉर्म हो जाती है, ठीक है, ओके। सच ब्लेड आर मशीन फ्रॉम द बार्स एंड आर एक्सपेंसिव टू द मैन्युफैक्चर, ओके। तो ये समझो कि ये तरीके की जो ब्लेड है वो बनाना थोड़ा एक्सपेंसिव है, ओके, और देर विल बी स्ट्रेस फॉर्मेशन समझो कि देर विल बी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन एट द पॉइंट डी, ओके। तो यहाँ पे समझो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम थोड़ा सा डिस्कस किया था कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ओके, जहाँ पे जो एंगल आता है या समझो कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ये एंगल वाला एरिया यहाँ पे आपको दिख रहा है डी वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ये जो पोर्शन है वहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नोच और एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल के कारण ये एरिया में सबसे ज्यादा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होता है, ओके। तो देर विल बी अ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन एट द पॉइंट डी टू रिमूव द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन एट द ब्लेड टंग, ओके। ब्लेड टंग में ये जो ब्लेड टंग है उसमें स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को रिमूव करने के लिए इट इज सम ट्रैप्ड, ओके, टेपर्ड, ओके, तो उसको टेपर्ड किया जाता है, समझो यहाँ पे कुछ दिखाया जा रहा है यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्लेड को टेपर बनाया जाता है ये, ओके, यहाँ पे उसका हमको यहाँ पे देखो ये टेपर एरिया है पूरा का पूरा हमको यहाँ पे दिख रहा है, ओके। तो ये टेपर बनाने से क्या होता है कि इसमें स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगा, ओके। तो अ इन्वर्टेड टी शेप
अटैचमेंट इज यूज इन हाई प्रेशर इम्पल्स स्टेज ऑफ लार्ज टर्बाइन. ओके, तो जो इन्वर्टेड टी अटैचमेंट है वो हाई प्रेशराइज जो स्टीम टर्बाइन है, ओके, लार्ज जो बड़ी साइज का जो स्टीम टर्बाइन है वहाँ पे यूज होता है. ठीक है, तो समझो कि यहाँ पे अभी समझो, इन शॉर्ट ये जो अटैचमेंट है बराबर वो टर्बाइन में यूज होता है पहले तो, और दूसरा कि ये तरीके के जो अटैचमेंट है उसमें कहाँ कहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहे वो ही फिगर में सब कुछ समझाया गया है. और ये समझो कि एक बेसिक थोड़ा जानने जैसा है कि इन्वर्टेड टी अटैचमेंट कैसे और कैसा होता है, कैसे उसको बनाया जाता है. ठीक है, ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट अटैचमेंट की बात करते हैं, यानी समझो ये ब्लेड के अटैचमेंट है. ठीक है, तो ये जो है ये हमारी ब्लेड है यहाँ पे टर्बाइन ब्लेड, और ये हमारा अटैचमेंट है. ठीक है, तो इसको इन्वर्टेड टी अटैचमेंट बोलता है. ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे फर ट्री, और फर ट्री का दूसरा नाम है सेरेटेड ब्लेड रूट अटैचमेंट. ओके, ओके, अभी ये है फर ट्री और सेरेटेड ब्लेड रूट अटैचमेंट के बारे में. ओके, तो यहाँ पे देखो कि जो रूट में जो अटैचमेंट जो है, ठीक है, वो कुछ यहाँ पे स्पेसर दिया हुआ है. तो ये हमारा है फर ट्री. ओके, फर ट्री में क्या होता है कि फिगर शोज द फर ट्री और सेरेटेड ब्लेड अटैचमेंट. ओके, दिस टाइप ऑफ ब्लेड अटैचमेंट यूज फॉर द हाई स्पीड टर्बाइन विद द लार्ज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अगर जहाँ पे जो टर्बाइन में अगर ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और हाई स्पीड टर्बाइन है वहां पे यूज होता है. ओके, द ब्लेड आर स्पेसर, द ब्लेड एंड स्पेसर आर मेड इन अ वन पीस टू विदस्टैंड लार्ज सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस. ओके, तो ब्लेड एंड ये हमारी ब्लेड है और ये हमारा स्पेसर है. ठीक है, तो वो दोनों समझो यहाँ पे जो स्पेसर यानी समझो कि रोटर के अंदर जो लगता है वो पूरा पार्ट, ठीक है, उसको हम लोग स्पेसर बोलते हैं, और जो बाहर का पोर्शन है उसको टर्बाइन ब्लेड बोलते हैं. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो वन पीस में बनता है. ठीक है, ये पूरा का पूरा पोर्शन है वो वन पीस में बनता है पूरा का पूरा. ओके, जिसके कारण क्या होता है कि वो जहाँ पे ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस है, ठीक है, तो वहां पे क्या है कि वो सबसे ज्यादा विस्टैंड कर पाए सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेसेस को. वो समझो कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो हमारे है उसको वो विस्टैंड करे. ठीक है, ओके, देन सेरेशंस आर मशीन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रूट एंड ऑल्सो इन द ब्लेड ग्रूव. ओके, the depth of the serration is kept about 10% of the width of groove having grooving angle of 45 degree. okay, to ye jo grooving angle hai, theek hai, wo around 45 degree jitna hota hai. theek hai, wo angle hai 45 degree, jo groove ka angle, jo rotor mein jo groove banaya jata hai, theek hai, wo. okay, the blades are inserted on the rotor एक्सियली. ओके, ब्लेड जो है वो रोटर समझो, रोटर ऐसा होता है हमारा. ओके, तो यहाँ पे ब्लेड को ऐसे एक्सियली उसको ग्रूव किया जाता है रोटर के अंदर. ओके, देन आफ्टर यहाँ पे जो दिख रहा है हमको ऐसा इस हिसाब से. ओके, तो एक्चुअली जो ब्लेड हमारी बाहर होती है, ठीक है, और जो स्पेसर जो है वो अंदर की साइड होता है. ठीक है, तो द ब्लेड आर इंसर्टेड ऑन द रोटर एक्सियली. ओके, दिस अटैचमेंट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन अ मीडियम एंड लार्ज गैस स्टीम टर्बाइन. ओके, तो ये जो तरीके की जो ब्लेड अटैचमेंट जो हमारी है वो मीडियम एंड लार्ज गैस टर्बाइन में जनरली यूज होती है. ओके, तो ये था पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्शन था वो हमारा फर ट्री और जो सेरेटेड ब्लेड रूट अटैचमेंट के बारे में था. ओके, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग स्ट्रेडल के बारे में. ओके, स्ट्रेडल अटैचमेंट जो है हमारा. ओके, ये जो फिगर हमको दिख रही है वो है स्ट्रेडल, ये सिंगल और मल्टीपल है वैसे. ओके, सिंगल और मल्टीपल फॉर्म. ओके, के बारे में. ओके, तो ये हमारा स्ट्रेडल अटैचमेंट है हमारा. ओके, तो ये सब में छोटे छोटे डिफरेंस जो डिफरेंस है वो उसके बारे में बात करते हैं. ओके, तो फिगर शोज द स्ट्रेडल अटैचमेंट फॉर द मॉडरेट स्पीड एंड शॉर्ट ब्लेड्स. ओके, तो यहाँ पे जो है वो मॉडरेट स्पीड के लिए और शॉर्ट ब्लेड, ब्लेड की साइज यहाँ पे छोटी होती है. ठीक है, शोज इन फिगर. ओके,
तो समझो इन फिगर ए, ये पहली जो सबसे पहली फिगर है, ये है हमारी फिगर ए और ये फिगर बी, बराबर। तो इन फिगर ए, ए इज यूज्ड इन विच ब्लेड एंड स्पेसर मशीन फ्रॉम द वन पीस ऑफ मेटल। ओके, तो ब्लेड और जो स्पेसर जो है यहाँ पे, ये जो ब्लेड और स्पेसर जो वाला एरिया है, यानी ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो ब्लेड और स्पेसर वाला जो एरिया है वो मशीन इन वन पीस में उसको मशीन किया जाता है। वन पीस ऑफ मेटल, द ब्लेड इज फॉर्क एंड इट इज फिट्स टाइटली ऑन अ प्रोजेक्टिंग टंग ऑन द व्हील, द रिवेट्स आर स्ट्रेच स्ट्रेचेड एंड आर काउंटर संक। तो यहाँ पे क्या है कि जब समझो कि काउंटर संक क्या, नहीं समझो अभी इसको मैं क्लियरली समझा देता हूँ आपको। तो जो ये वाला ऐसी ब्लेड यहाँ पे जो है वो इस तरीके की होती है, ठीक है, और उसको यहाँ पे रिवेट किया जाता है। ये जो पोर्शन है वो रिवेट वाला पोर्शन है, ठीक है। तो जो ब्लेड एंड स्पेसर जो हमारा है, ठीक है, वो एक ही पीस में से बनता है और उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, ये हमारा समझो कि जो ए और बी जो है, बराबर, वो हमारा जो ब्लेड एंड स्पेसर जो हमारा है, ठीक है, वो जो है एक ही मटेरियल से बनता है, पूरा का पूरा एक ही पीस मेटल का पीस है उसमें से बनाया जाता है, और उसको यहाँ रिवेट के थ्रू, यहाँ पे दिख रहा है हमको कि रिवेट के थ्रू उसको यहाँ पे फिक्स किया जाता है, ठीक है, ये एरिया में, ठीक है। तो रिवेट से उसको फिक्स किया जाता है, ठीक है, समझो कि। और दूसरा अटैच, अभी अभी हम लोग बात करते हैं अटैचमेंट शोज इन फिगर बी, ओके, यूज फॉर अ हायर स्पीड्स और लॉन्गर ब्लेड्स सिंस द रिवेट आर सब्जेक्टेड टू एक्सेसिव शियर। अगर समझो कि रिवेट में ज्यादा शियर हो, ठीक है, तो समझो यहाँ पे क्या है कि ये जो दूसरी जो बी फिगर नंबर बी जो है हमारी, बराबर, वो हायर स्पीड के लिए समझो कि लॉन्गर हमारी जो टीथ है वो लॉन्गर है यहाँ पे, और हायर स्पीड के लिए बनाया जाता है। तो अटैचमेंट जो है इज यूज्ड फॉर द हायर स्पीड और लॉन्गर ब्लेड सिंस द रिवेट आर सब्जेक्टेड टू द एक्सेसिव शियर स्ट्रेस। कि जब समझो कि हमारा जो रिवेट है वो ज्यादा शियर स्ट्रेस में हो, इन इन दिस अटैचमेंट देर इज नो नेसेसिटी टू कट एनी गैप फॉर द ब्लेड इंसर्टेशन। कि जहां पे कोई कट ना हो, ठीक है, और वन और मोर ब्लेड आर मे बी रिमूव फ्रॉम द व्हील विदाउट डिस्टर्बिंग द रिमेनिंग ब्लेड्स। तो यहाँ पे क्या है कि ये सिस्टम में क्या है कि हम लोग एक और ज्यादा ब्लेड को रिमूव कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बिंग। दूसरे ब्लेड को हम लोग डिस्टर्ब करें बगैर ये सिस्टम में हम लोग ब्लेड को रिमूव कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर, ठीक है, विल विदाउट डिस्टर्बिंग द रिमेनिंग ब्लेड। तो ये समझो स्ट्रेलर जो है वो उसमें एक सिंपल बात करें तो इसमें जो हमारा जो है ये रिवेट लगा हुआ होता है और रिवेट से ये पूरी ब्लेड और स्पेसर जो हमारा है, वो फिट होता है, ठीक है, रिवेट के थ्रू, ठीक है। भी नेक्स्ट बात करेंगे वो है साइड एंट्री ब्लेड अटैचमेंट। ये है हमारी साइड एंट्री ब्लेड अटैचमेंट, बराबर, तो फिगर में दिख रहा है। तो फिगर शोज साइड एंट्री ब्लेड अटैचमेंट, दिस अटैचमेंट इज यूज फॉर द हाई पेरिफेरल स्पीड्स। तो समझो कि फिगर शोज द साइड एंट्री ब्लेड अटैचमेंट, दिस अटैचमेंट इज यूज फॉर हाई पेरिफेरल स्पीड्स। जहां पे हाई पेरिफेरी की स्पीड होती है वहां पे ये सिस्टम जो ये अटैचमेंट है वो यूज होता है। रोटर कैरीज कंपेरेटिवली हैवी रिम इन विच क्लोजली स्पेस्ड स्लॉट आर कट वन टू इच ब्लेड। तो यहाँ पे देखो कि एकदम क्लोजली यहाँ पे स्पेस कट किया हुआ है, यहाँ पे फिगर में हमको दिख रहा है। तो ये जो तो ये एकदम क्लोजली सब ब्लेड लगी हुई है, ठीक है, तो जो क्लोजली स्पेस है यहाँ पे कट किया हुआ है। जो जो यहाँ पे जो ब्लेड लगने वाली है वो एकदम क्लोज एरिया में लगने वाली है। तो वन टू इच ब्लेड। तो द रोटर कैरीज अ कंपेरेटिवली हैवी रिम। तो रोटर रोटर है वो हैवी रिम कैरी करता है, ठीक है, यहाँ पे, और विच इज स्पेस, समझो कि ये रोटर है, बराबर, हम लोग बात करते हैं, ये रोटर है और उसके ऊपर ये रिम लगा हुआ है, ठीक
ठीक है, रोटर के ऊपर, और उसके अंदर जो स्लॉट लगे हुए होते हैं ठीक है, वो एकदम क्लोज सब स्लॉट है ठीक है, और जो ब्लेड को कैरी करते हैं एकदम नजदीक नजदीक. ओके, अ पार्ट ऑफ पुल इज टेकन बाय द आउटर मोस्ट टीथ ऑफ द सेक्शन 1-1. ओके, ये जो सेक्शन यहाँ पे कट किया हुआ है. ओके, सो द स्मॉलर एरिया मे बी एम्प्लॉयड एट द सेक्शन 2-3. द एडवांटेजेस ऑफ द अटैचमेंट आर, ओके, तो ये सिस्टम का एडवांटेजेस क्या है? बेंडिंग अक्रॉस द सेक्शन 1-1 इज एलिमिनेटेड. ओके, तो जो सेक्शन 1-1 का जो बेंडिंग है, ओके, यहाँ पे जो सॉरी यहाँ पे हमको कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं, नंबर 1, 2, 3. ओके, तो सेक्शन 1-1 का जो बेंडिंग एरिया है ठीक है, वो एलिमिनेट कर होता है ठीक है. बेंडिंग अक्रॉस द सेक्शन 1-1 इज एलिमिनेटेड. ओके, रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लेड इज सिंपल, यहाँ पे जो ब्लेड का रिप्लेसमेंट है वो हम लोग इजिली कर सकते हैं. ओके, कंप्लीट समझो कि कंप्लीट रिंग और ब्लेड इज सॉरी कंप्लीट रिंग ऑफ ब्लेड इज पॉसिबल. ओके, तो बाय मेकिंग द विड्थ ऑफ व्हील मोर देन द विड्थ ऑफ द ब्लेड. ओके, तो हम लोग व्हील का जो विड्थ है वो ब्लेड की विड्थ से ज्यादा कर सकते हैं. ओके, मैक्सिमम स्ट्रेस इन द फास्टनिंग कैन बी रिड्यूस्ड. ओके, तो यहाँ पे जो फास्टनिंग की जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो हम लोग रिड्यूस करते हैं. ओके, और समझो इसका एक ही डिसएडवांटेज है, ये समझो कि वो एक्सपेंसिव अटैचमेंट यहाँ पे लगता है ठीक है, तो ये जो रिम है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है. ओके, और अभी लास्ट डिस्कस करते हैं श्रोडिंग स्ट्रिप अटैचमेंट के बारे में. ओके, तो ये है हमारा श्रोडिंग स्ट्रिप अटैचमेंट. ओके, यहाँ पे हमको एक व्हील जैसा दिख रहा है. ओके, ये जो व्हील है वो हमारा श्रॉड है वैसे. ये जो है वो हमारा श्रॉड है वैसे, व्हील जो है वो. ओके, तो एज शोन इन फिगर श्रॉड इज अटैच अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द ब्लेड टिप्स इन ऑर्डर टू स्टिफन द ब्लेड एंड प्रिवेंट स्पिलेज ऑफ वाटर ओवर द टिप्स. ओके, तो समझो कि ये क्या है कि समझो कि वाटर का जो स्पिलिंग होता है जो टिप टीथ के बाहर में, वो उसको प्रिवेंट करता है, और दूसरा कि ये स्टिफनेस प्रोवाइड करता है ब्लेड को. यानी दो चीजें यहाँ पे ये जो श्रॉड है वो करता है. ओके, इन ऑर्डर टू स्ट्रिप. ओके, ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफन द सेंट्रिफ्यूगल फोर्स आर लार्ज. ओके, तो यहाँ पे समझो कि रोटेशन की हाई स्पीड के कारण जो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स है वो ज्यादा बढ़ जाता है. हेंस द थिकनेस ऑफ द श्रॉडिंग स्ट्रिप मस्ट बी चूजन विद द रेफरेंस ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेस. ओके, ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ द रोटेशन द सेंट्रिफ्यूगल फोर्स आर लार्ज एंड हेंस द थिकनेस सराउंडिंग स्ट्रिप मस्ट बी चूज विद द रेफरेंस टू हाई बेंडिंग स्ट्रेस. ओके, तो उस समझो कि जो श्रॉड की जो थिकनेस है उस हिसाब से समझो हाई बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो लगता है उसके कारण. समझो कि हम लोग जो हमारा जो ये श्रॉड है वो उसकी थिकनेस जो है उस हिसाब से चूज करते हैं ठीक है. श्रॉडिंग इज बेनिफिशियल इन हाई प्रेशर इम्पल्स ब्लेड विद अ पार्शियल एडमिशन. ओके, तो श्रॉडिंग यहाँ पे बेनिफिशियल है जहाँ पे हाई प्रेशर जो इम्पल्स ब्लेड है. ओके, वहां पे वो बेनिफिशियल है. ओके, तो समझो फिर से श्रॉडिंग इज बेनिफिशियल इन हाई प्रेशर इम्पल्स ब्लेड विद अ पार्शियल एडमिशन. ओके, विच इज सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशन. ओके, तो श्रॉडिंग के कारण क्या होता है, वाइब्रेशन जो है वो भी ओवरकम हो जाता है. ओके, फॉर द शॉर्टर ब्लेड श्रॉड मस्ट बी यूज एंड इज ऑमिटेड फॉर द लॉन्ग ब्लेड आर इंक्रीज इन वेट ऑफ द श्रॉड. ओके, तो समझो कि शॉर्टर ब्लेड में क्या होता है कि श्रॉड मस्ट बी यूज श्रॉड यूज होता है. ओके, इज ऑमिटेड फॉर द लॉन्गर ब्लेड आर इंक्रीज द वेट ऑफ श्रॉड इंक्रीज द सेंट्रिफ्यूगल स्ट्रेस एट द ब्लेड रूट. ओके, तो ये थोड़ा श्रॉड के बारे में था. श्रॉड की फीचर्स हम लोगों ने जान ली कि भी श्रॉड क्यों होता है, कि जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है और सेंट्रिफ्यूगल फोर्स है उसको ये ओवरकम करता है. ओके, तो ये पूरा का पूरा श्रॉड के बारे में था. ओके, तो एक बाहर एक आउटर रिम जैसा एक लगा हुआ होता है ब्लेड के बाहर की साइड. ओके, उसको हम लोग श्रॉड बोलते हैं, ये इसको इसलिए श्रॉडिंग स्ट्रिप बोलते हैं ठीक है. तो आज के लिए इतना. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स.